हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 11 रक्त चंदन। पात्र: तैमूर आक्रमणकारी, अली बेग मुबारक तैमूर के सिपाही, जफर अली तैमूर का सरदार, कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री, बलकरण कल्याणी का पुत्र, अन्य तीन पात्र ग्रामीण। कल्याणी गुनगुनाती हुई गाती है, अब मत जाना तुम दूर दूर, उठ रही है पश्चिम में धूर, उठ रही है पश्चिम में धूर। बलकरण चाकू तेज करते हुए, यह तुम क्या गुनगुना रही हो माँ, इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है, पास आकर मोड़े पर बैठते हुए, पर आज चाकू तेज करने की क्या सूझी, तुझे क्या सूझी, आज तो तेरी वर्षगांठ है। बलकरण वर्षगांठ, मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए माँ, पूजा। हाँ तो माँ, क्या वह वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसी पिछले साल हुई थी, चाकू रोक देता है। कल्याणी हाँ बिल्कुल वैसी ही, इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हो जाएगा। बेटा मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठ मनाई जाए, तू दिन दूना रात चौगुना बढ़े। बलकरण इसलिए तू गाना गा रही थी फिर चाकू तेज करता है, माँ कैसा है वह गाना। कल्याणी डर का गाना है, अब तो वह जमाना बीत गया, बहुत बरस हुए जब महमूद गजनवी आया था। बलकरण अच्छा। कल्याणी कहते हैं वह गजनी से आया था, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और बहुत से आदमियों का खून बहाया, फिर बहुत सा धन लेकर वह यहाँ से चला गया। बेटा आज तो तेरी वर्षगांठ है। कल्याणी तो सब कुछ भूल जाओ माँ, बतलाओ आज वर्षगांठ में क्या करोगी। कल्याणी क्या करूँगी, अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी, फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं, देख उस कोने में रखी हुई हैं, मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी, बस दूध भर आ जाए, खीर बनने में देर ही क्या लगती है, पानी उबल ही रहा है। बलकरण अभी दूध नहीं आया। कल्याणी सूरज चढ़ आया, अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं, जाने क्यों नहीं लाया। बलकरण मैं ले आऊं। कल्याणी सुजान आता होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा। बलकरण नहीं मैं ले आता हूँ। शीघ्रता से प्रस्थान। कल्याणी बलकरण के जाने की दिशा की ओर देखती हुई, मेरा भोला बच्चा बलकरण अभी से कैसी बातें करता है। संतोष से बलकरण मेरा बेटा। फिर अंगीठी के पास आकर आग ठीक करती है, थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है, फिर भयानक शोर और भगदड़। कल्याणी झिझक कर खिड़की के बाहर देखने लगती है। हिंदू ग्रामीण घबराए हुए स्वर में, तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो तुरक आ गया। कल्याणी आगे बढ़कर दृढ़ता से, पागल हो गए हो क्या, तुरक कहाँ से आ गया। दूसरे ग्रामीण का प्रवेश। मुसलमान ग्रामीण, बहन भाग चलो जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग, हम लोग मरे, चलो बहन। कल्याणी
अरे कैसा तैमूर, कहाँ का तैमूर। मुसलमान ग्रामीण, नेपथ्य में देखते हुए, तुम नहीं चलोगी, वह आया वह आया। फिर भगदड़ की आवाज़, चीख और पुकार, तीसरे ग्रामीण का प्रवेश। तीसरा हिंदू ग्रामीण, बहन कल्याणी, सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी। जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चलो, चलो मेरे साथ, समय नहीं है। कल्याणी, घबराहट से, बलकरण, मेरा बलकरण तो अभी नहीं आया, मैं उसे छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तीसरा ग्रामीण, कहाँ गया बलकरण। कल्याणी, घबराहट से, वह दूध लेने गया है सुजान के घर। तीसरा ग्रामीण, सुजान के घर, तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में है, वे लोग सीधे रास्ते ही चले आ रहे हैं, तुम तलघर में छिप जाओ। तीन सैनिक घर में घुस आते हैं, उनके हाथों में तलवार है, वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते जाते हैं। जफर, कोई नहीं, कमबख्त सब भाग गए। पहला, तख्त के नीचे भी कोई नहीं है। जफर, मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का है। इस घर में देखो कहीं है। मुबारक, देखते हुए, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहाँ। अली बेग, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार, बर्तनों के पास जाकर उन्हें खोलता है। सरदार, यह है। मुबारक, अली बेग के पास जाकर, सरदार, बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओह छू कर बिल्कुल ताज़ा गरम। जफर, हाथ से छू कर, हम गरम मिठाइयाँ हैं, लो तुम लोग भी तो भूखे होगे। मुबारक, सरदार, नोश फरमाए। जफर, मैं तो ज़रूर खाऊंगा, लो तुम भी लो। मुबारक को देता है, वह प्रसन्न होकर लेता है, अच्छी मिठाइयाँ हैं, लो अली बेग तुम भी लो। नेपथ्य से, तीव्र आवाज से, चुप रहो कमबख्तों। तैमूर लंग का प्रवेश, वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है, उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ ज़मीन पर फेंक कर फौजी ढंग से तन कर खड़े हो जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तैमूर, तीव्र स्वर में, मैंने अफ़गानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरें। मैंने क्या हुक्म दिया था सरदार। जफर, सैनिक ढंग से, बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। मुबारक, माफ़ कर दीजिए हुजूर। तैमूर, हरगिज नहीं, गाजी तैमूर कसूर को माफ़ करना नहीं जानता। सरदार, तुमने जो गलती की है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। जाओ, शाम तक अमरकोट पहुंचने का मेरा हुक्म पूरा हो। तीव्रता से, जाओ। तीनों सैनिकों का शीघ्रता से प्रस्थान और बलकरण का दूध लिए हुए प्रवेश। बलकरण, पुकारते हुए, माँ माँ, मैं यह दूध ले आया। तैमूर, चौंक कर, दूध। बलकरण, उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए, यह सब क्या। तैमूर को देखकर, ए तुम कौन। पुकारता है, माँ माँ।
कुछ उत्तर न पाकर, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर गौर से बलकरन को देखता है। इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? तैमूर जोर से, खामोश। गाजी तैमूर से यह नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो? कमबख्त, अगर बात पूछने की तमीज़ नहीं है तो खामोश रहो। लेकिन ठहर, वह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। बलकरन, यह दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है। तैमूर साफ जबान में बात कर जो समझ में आए, सामने दूध हाजिर कर। बलकरन से छीन कर जोर से अट्टहास करता है। दूध मेरा है कि नहीं, अब तुझे इस तलवार से काट दूं? बलकरन हिचकते हुए, क्या क्या तुम मेरा खून बहाना चाहते हो? मेरी माँ यही कहती थी। तैमूर, तू बड़ा निडर मालूम होता है, सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फख्र हासिल कर। बलकरन, मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी तलवार दो। तैमूर, वाह, तू मुझसे दो हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है। अच्छा, पहले मैं दूध पीऊँगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। बलकरन दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर सहसा, मेरी तलवार? बलकरन, तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। तैमूर दोहरा कर, सामने आओ, शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी, बच्चे इधर ला। बलकरन, जैसे दूध छीन लिया था वैसे ही तलवार भी छीन लो। तैमूर, तो अब तुझे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूँगा। पैंतरा बदल कर तलवार छीन लेता है। यह मेरी तलवार। बलकरन, छीन ली? लेकिन यह बहादुरी नहीं है, मेरे पास चाकू है, उसी से लड़ूँगा। तैमूर, चाकू से लड़ेगा? चाकू से? अट्टहास करता है, हा 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 हा। बलकरन, हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज़ किया है, देखो यह कितना तेज़ है, मेरी अंगुली से खून निकाल सकता है। अंगुली में चुभोकर खून की बूंदें दिखलाता है। तैमूर, शाबाश। तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। बलकरन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूर, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। बलकरन, तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर, मैं नहीं जानता, मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ का कत्ल भी न किया होगा, उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। बलकरन, आप मेरी मुराद पूरी करोगे? तो फिर आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तैमूर, मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊँगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूँगा, तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। तैमूर खूंखार है, लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। फौजी ढंग से सलाम करता है, शीघ्रता से प्रस्थान। बलकरन, उसके जाने की दिशा में देखता हुआ, तैमूर बहादुरी को सलाम करता है।
शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश, वह अति शीघ्रता से बलकरण को हृदय से लगा लेती है। कल्याणी, बेटा बेटा बलकरण सिसकने लगती है। बलकरण, माँ तू रोती क्यों है, तू कहाँ थी? कल्याणी, बेटा तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तुझे तो कुछ नहीं हुआ बेटा, कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं, गौर से बलकरण के शरीर को देखती है, चीख कर, ओह यह खून। बलकरण, उसने नहीं निकाला, मैंने ही अंगुली चीर कर गिराया है। कल्याणी, घबरा कर, तेरी उंगली से खून तो अभी तक निकल रहा है बेटा। बलकरण, उसकी कोई चिंता नहीं है माँ, तैमूर कहता था मेरे तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। कल्याणी, क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? बलकरण, नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था, पर वही मीठी मीठी बातें करने लगा। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है, बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम, फौजी ढंग से सलाम करता है। कल्याणी, तेरी उम्र दीन दूनी रात चौगुनी हो, भगवान का हजार हजार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। बलकरण, यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। कल्याणी, हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना? चारों तरफ देखकर तुरक के सिपाहियों ने सारा घर तोड़फोड़ डाला, तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थीं, सब नष्ट हो गई, अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊँ? बलकरण, अपना आशीर्वाद भर दे माँ। और कल्याणी, और क्या? बलकरण, और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी अंगुली से खून का रक्त चंदन बना ले। कल्याणी, धन्य मेरे लाल, हृदय से लगाती है, घर घर में ऐसे लाल हों, पर्दा गिरता है। सो दिस वॉज रीडिंग ऑफ आवर चैप्टर 11 रक्त चंदन। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Also, don't forget to check the description box for the links to the other chapters. Thank you, everyone.